हेलो स्टूडेंट्स, आरजी स्टूडियो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम राहुल है, मैं एक टीचर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको एग्रीकल्चर साइंस के महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों की जानकारी देने जा रहा हूँ। ये प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि वन दरोगा, बीएससी, बीटेक, एग्रीकल्चर एग्जाम, पशुधन प्रसार अधिकारी, आईसीएआर, ग्राम विकास अधिकारी, एसएससी, रेशम विभाग, रेलवे, आईएएस, पीसीएस और अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम जिसमें कि कृषि विज्ञान से संबंधित प्रश्न आते हैं, उन सभी के लिए वीडियो बहुत अधिक उपयोगी है। और जो कैंडिडेट्स विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन्स के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। इससे पहले की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक बताए गए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू है। क्वेश्चन नंबर 51 है, अमेरिकी कृषि का हृदय तथा विश्व में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृषि प्रदेश है। अमेरिकी कृषि का हृदय तथा विश्व में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृषि प्रदेश, सही उत्तर है मक्के की पेटी। मक्के की पेटी अमेरिकी कृषि का हृदय तथा विश्व में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृषि प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ जो चार कथन दे रखे हैं इसमें से बताना है कौन सा कथन सत्य है। ए है, गन्ना उष्ण कटिबंध की फसल है। बी, क्यूबा के कुल कृषि क्षेत्र के 50% से भी अधिक भाग पर गन्ना की कृषि की जाती है। सी, हवाई द्वीप में गन्ने की प्रति हेक्टेयर उपज विश्व में सर्वाधिक है। डी, उपयोग सभी। सही उत्तर है उपयोग सभी। जो सभी कथन दे रखे हैं ये सत्य हैं। गन्ना उष्ण कटिबंध की फसल है। क्यूबा के कुल कृषि क्षेत्र के 50% से भी अधिक भाग पर गन्ना की कृषि की जाती है। हवाई द्वीप में गन्ने की प्रति हेक्टेयर उपज विश्व में सर्वाधिक है। तीनों कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, विश्व में गन्ना का उत्पादन करने वाले प्रमुख देशों का उत्पादन के आधार पर सही अवरोही क्रम है। विश्व में जो गन्ने के उत्पादन करने वाले प्रमुख देश हैं उनका उत्पादन के आधार पर सही अवरोही क्रम बताना है। तो सबसे ज्यादा जो विश्व में गन्ना का उत्पादन करता है वो ब्राजील है, इसके बाद भारत है और इसके बाद चीन है। सही अवरोही क्रम जो कि बढ़ते से घटते क्रम में है। विश्व में गन्ना का सबसे ज्यादा उत्पादन ब्राजील में होता है, इसके बाद भारत में और इसके बाद चीन में होता है। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से किस देश में गन्ने की प्रति हेक्टेयर उपज विश्व में सर्वाधिक है। यहाँ जो देशों के नाम बता रखे हैं इसमें से बता रहे हैं किस देश में गन्ने की प्रति हेक्टेयर उपज विश्व में सर्वाधिक है। कौन सा ऐसा देश है जहाँ पे गन्ने की प्रति हेक्टेयर उपज विश्व में सर्वाधिक है। ए, भारत। बी, ब्राजील। सी, क्यूबा। डी, हवाई द्वीप। सही उत्तर है हवाई द्वीप। हवाई द्वीप जो देश है यहाँ पे गन्ने की प्रति हेक्टेयर उपज विश्व में सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर 55 है, हवाई द्वीप प्रमुख उत्पादक है। सही उत्तर है गन्ने का। हवाई द्वीप गन्ने का प्रमुख उत्पादक है। क्वेश्चन नंबर 56 है, इनमें से कौन सा द्वीप गन्ने की उन्नत खेती करता है। ए, मालागासी। बी, हवाई द्वीप। सी, तस्मानिया। डी, न्यूजीलैंड। सही उत्तर है हवाई द्वीप। हवाई द्वीप गन्ने की उन्नत खेती करता है। गन्ने की उन्नत खेती जो देश करता है वो हवाई द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में से किस फसल का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होता है। ऐसी कौन सी फसल है जिस फसल का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होता है। ए, चावल। बी, कपास। सी, गन्ना। डी, चाय। सही उत्तर है गन्ना। गन्ने की जो फसल होती है उसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में से किस फसल की कृषि मात्र उत्तरी गोलार्ध में ही सीमित है। ऐसी कौन सी फसल है जिसकी कृषि मात्र उत्तरी गोलार्ध में ही सीमित है। ए, गन्ना। बी, चुकंदर। सी, चाय। डी, कपास। सही उत्तर है चुकंदर। चुकंदर ऐसी फसल है जिसकी कृषि मात्र उत्तरी गोलार्ध में ही सीमित है। चुकंदर की जो फसल होती है उसकी कृषि मात्र उत्तरी गोलार्ध में ही सीमित होती है। क्वेश्चन नंबर 59 है, विश्व में चुकंदर के दो बड़े उत्पादक हैं। विश्व में चुकंदर के दो बड़े उत्पादक कौन से देश हैं। सही उत्तर है रूस एवं फ्रांस। रूस एवं फ्रांस विश्व में चुकंदर के दो बड़े उत्पादक देश हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पे कथन दे रखे हैं इसमें से बताना है कौन सा कथन असत्य है। ए, मूंगफली उष्ण एवं आर्द्र कटिबंध की फसल है। बी, भारत विश्व का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश है। सी, चीन। संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया एवं नाइजीरिया मूंगफली के अन्य प्रमुख उत्पादक हैं। डी, मूंगफली के अंतर्गत विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल भारत में है। तो यहाँ पे जो बी कथन है, भारत विश्व का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश है, ये कथन असत्य है। ये कथन, मूंगफली उष्ण एवं आर्द्र कटिबंध की फसल है, ये कथन सत्य है।
चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया एवं नाइजीरिया मूंगफली के अन्य प्रमुख उत्पादक हैं, ये कथन सत्य है। मूंगफली के अंतर्गत विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल भारत में है, ये कथन भी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 61 है, विश्व में सोयाबीन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्पादक देश है। विश्व में सोयाबीन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्पादक देश है संयुक्त उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना एवं भारत। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना एवं भारत विश्व में सोयाबीन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्पादक देश हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ बताना है कौन सा ऐसा कथन है जो असत्य है। ए, नारियल उष्ण एवं आर्द्र कटिबंध की फसल है। बी, इसकी कृषि के लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। सी, नारियल की कृषि के लिए 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। डी, ब्राजील विश्व का सबसे बड़ा नारियल उत्पादक देश है। ब्राजील विश्व का सबसे बड़ा नारियल उत्पादक देश है, ये कथन असत्य है। कथन ये जो है नारियल उष्ण एवं आर्द्र कटिबंध की फसल है, ये कथन सत्य है। इसकी कृषि के लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान की आवश्यकता होती है, ये कथन सत्य है। नारियल की कृषि के लिए 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, ये कथन भी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 63 है, विश्व में नारियल का सबसे अधिक उत्पादन करता है? सही उत्तर है भारत। भारत विश्व में नारियल का सबसे अधिक उत्पादन करता है। क्वेश्चन नंबर 64 है, विश्व के किस देश में चाय की सबसे अधिक पैदावार होती है? सही उत्तर है चीन। चीन वो देश है जहां पे चाय की सबसे अधिक पैदावार होती है। विश्व में चीन ऐसा देश है जहां पे चाय की सबसे अधिक पैदावार होती है। क्वेश्चन नंबर 65 है, चाय के पौधे उगाने की डेपांग विधि विकसित हुई थी? सही उत्तर है फिलीपींस में। चाय के पौधे उगाने की डेपांग विधि फिलीपींस में विकसित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 66 है, चाय उत्पादक देशों का उत्पादन की दृष्टि से सही अवरोही क्रम है? चाय उत्पादक जो देश है उनका उत्पादन की दृष्टि से सही अवरोही क्रम बढ़ते से घटते क्रम में बताना है। चाय उत्पादक देशों में सबसे ज्यादा सबसे पहला स्थान है चीन का, इसके बाद भारत का, इसके बाद कीनिया का और इसके बाद श्रीलंका का। सबसे अधिक विश्व में चाय का उत्पादन चीन में होता है, इसके बाद भारत में, इसके बाद कीनिया में और इसके बाद श्रीलंका में। क्वेश्चन नंबर 67 है, चाय के निर्यात में भारत को किस देश से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है? सही उत्तर है श्रीलंका। चाय के निर्यात में भारत को श्रीलंका के देश, श्रीलंका जो देश है उससे कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश चाय का निर्यातक नहीं है? ऐसा कौन सा देश है जो चाय का निर्यातक नहीं है? ए, कीनिया, बी, यूएसए, सी, भारत, डी, श्रीलंका। सही उत्तर है यूएसए। यूएसए जो देश है वो चाय का निर्यातक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 69 है, विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय किस देश में पैदा होती है? सही उत्तर है ताइवान। विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की जो चाय है वो ताइवान देश में पैदा होती है। क्वेश्चन नंबर 70 है, यारबा माटे है? सही उत्तर है पराग्वे में एक चाय सदृश झाड़ी। यारबा माटे पराग्वे में एक चाय सदृश झाड़ी है। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे कुछ कथन दे रखे हैं, इसमें से बताना है कौन सा कथन सत्य है। ए, चाय उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध की फसल है। बी, मानसूनी एशिया चाय का प्रमुख उत्पादक देश क्षेत्र है। सी, जॉर्जिया और ताइवान की चाय उत्तम कोटि की होती है। डी, उपरोक्त सभी सभी कथन सत्य है। चाय उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध की फसल है, ये कथन सत्य है। मानसूनी एशिया चाय का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है, ये कथन भी सत्य है। जॉर्जिया और ताइवान की चाय उत्तम कोटि की होती है, कथन भी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे जो कथन दे रखे हैं इसमें से बताना है कौन सा कथन असत्य है। ए, भारत विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता है। बी, चाय के निर्यात में श्रीलंका और चीन के बाद भारत का तीसरा स्थान है। सी, श्रीलंका में चाय की कृषि मध्य एवं दक्षिणी पहाड़ी भाग में की जाती है। डी, संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व में चाय का सबसे बड़ा आयातक देश है। तो यहाँ बताना है कौन सा कथन असत्य है। ए जो कथन है, भारत विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता है, ये कथन असत्य है। बी का जो कथन है, चाय के निर्यात में श्रीलंका और चीन के बाद भारत का तीसरा स्थान है, ये कथन सत्य है। सी जो कथन है, श्रीलंका में चाय की कृषि मध्य एवं दक्षिणी भाग में की जाती है, ये कथन सत्य है। डी कथन, संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व में चाय का सबसे बड़ा आयातक देश है, ये कथन सत्य है।
क्वेश्चन नंबर 73 है, चाय के अंतर्गत विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है? सही उत्तर है चीन। चाय के अंतर्गत विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल चीन के देश में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 74 है, चाय की खेती के लिए ढालू जमीन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? सही उत्तर है ताकि पानी जड़ में जमा ना होने पाए। चाय की खेती के लिए ढालू जमीन की आवश्यकता इसलिए पड़ती है ताकि पानी जड़ में जमा ना होने पाए। क्वेश्चन नंबर 75 है, चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु कौन सी है? सही उत्तर है मानसूनी। चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु मानसूनी जलवायु होती है। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक चाय की खेती के लिए आवश्यक है? ए पर्वतीय ढाल, बी जलोढ़ मैदान, सी 50 सेंटीमीटर वर्षा, डी सिंचाई की सुविधा। सही उत्तर है पर्वतीय ढाल। पर्वतीय ढाल जो कारक है ये चाय की खेती के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित में से कौन सी भौगोलिक दशा चाय उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं है? ए उष्ण आर्द्र जलवायु, बी 24 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, सी समतल मैदान, डी 125 से 250 सेंटीमीटर वर्षा। सी जो कथन है ये समतल मैदान, ये जो कथन है ये इसकी जो भौगोलिक दशा है ये चाय उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं है। समतल मैदान जो होता है ये चाय उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे जो कथन दे रखे हैं इसमें से बताना है कौन सा कथन असत्य है। ए है कहवा उष्ण जलवायु की फसल है, बी कहवा की कृषि पहाड़ी ढालों पर की जाती है, सी जमैका का ब्लू माउंटेन कहवा विश्व में सर्वोच्च कोटि का कहवा माना जाता है, डी ग्रेट ब्रिटेन कहवा का सबसे बड़ा आयतक है। तो सही उत्तर है डी ग्रेट ब्रिटेन कहवा का सबसे बड़ा आयतक है, ये कथन असत्य है। और जो कथन दे रखे हैं ए का जो कथन है कहवा उष्ण जलवायु की फसल है ये कथन सत्य है, कहवा की कृषि पहाड़ी ढालों पर की जाती है ये कथन सत्य है, जमैका का ब्लू माउंटेन कहवा विश्व में सर्वोच्च कोटि का कहवा माना जाता है ये कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 79 है, कहवा के उत्पादन के आधार पर देशों का सही अवरोही क्रम है। तो सही उत्तर है ए ब्राजील, बी सबसे ज्यादा जो कहवा का उत्पादन करता है इसमें ब्राजील, फिर वियतनाम, फिर कोलंबिया, इसके बाद इंडोनेशिया और इसके बाद इथोपिया। कहवा के उत्पादन के आधार पर देशों का जो सही अवरोही क्रम है, सबसे ज्यादा कहवा का उत्पादन ब्राजील में होता है, इसके बाद वियतनाम में, इसके बाद कोलंबिया में, इसके बाद इंडोनेशिया में और इसके बाद इथोपिया में। क्वेश्चन नंबर 80 है, फजेंडा है सही उत्तर है ब्राजील में कहवा के बागान। फजेंडा ब्राजील में कहवा के बागान होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फजेंडा जो होता है ये ब्राजील में कहवा के बागान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, कहवे के कुल उत्पादन का 60% से भी अधिक भाग प्राप्त होता है, सही उत्तर है लैटिन अमेरिका से। कहवे के कुल उत्पादन का 60% से भी अधिक भाग लैटिन अमेरिका से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 82 है, मोचा कहवा कहाँ उगाई जहाँ उगाई जाती है वह है? सही उत्तर है यमन। मोचा कहवा जहाँ उगाई जाती है वह देश यमन है। क्वेश्चन नंबर 83 है, रोबस्टा एक प्रकार का की है जो अफ्रीका में उत्पन्न होता होती है, सही उत्तर है कॉफी। रोबस्टा एक प्रकार की कॉफी है जो अफ्रीका में उत्पन्न होती है। रोबस्टा जो होता है एक प्रकार की कॉफी होती है जो कि अफ्रीका में उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 84 है, ब्राजील में कहवा उत्पादन संबंधी निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला, कहवा दक्षिण पूर्वी ब्राजील में उगाया जाता है। दूसरा, विश्व का 80% कहवा यही उत्पन्न करता है। तीसरा, यह टेरा ड्रोसा मिट्टी पर उगाया जाता है। चौथा, कहवा का अधिकांश भाग लैटिन अमेरिकी देश को ही देशों में निर्यात किया जाता है। तो यहाँ पे पहला एवं तीसरा कूट सही है, कहवा दक्षिण पूर्वी ब्राजील में उगाया जाता है और यह टेरा रोसा मिट्टी पर उगाया जाता है, ये दोनों कथन सत्य हैं। तो ब्राजील में कहवा उत्पादन संबंधी जो कथन है इसमें से कहवा दक्षिण पूर्वी ब्राजील में उगाया जाता है और यह टेरा रोसा मिट्टी पर उगाया जाता है, ये दोनों कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है, विश्व की कहवा मंडी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? सही उत्तर है साओ पालो। विश्व की कहवा मंडी के नाम से साओ पालो प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 86 है, विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? सही उत्तर है ब्राजील। ब्राजील विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है। क्वेश्चन नंबर 87 है, पेट्रोल कोलोन तथा प्रथा जिसमें कहवा के पुराने बगानों को काटकर नए बगान लगाने में खर्च कम पड़ता है निम्न में से किस देश में प्रचलित है? सही उत्तर है ब्राजील। पेट्रोन कोलोन प्रथा जिसमें कहवा के पुराने बगानों को काटकर नए बगान लगाने में खर्च कम पड़ता है यह ब्राजील देश में प्रचलित है।
क्वेश्चन नंबर 88 है, ब्राजील में कहवा का अधिक उत्पादन होने का प्रमुख कारण क्या है? सही उत्तर है टेरा रोसा मृदा। ब्राजील में कहवा का अधिक उत्पादन होने का प्रमुख कारण टेरा रोसा मृदा है। क्वेश्चन नंबर 89 है, अफ्रीका महाद्वीप में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? सही उत्तर है इथोपिया। अफ्रीका महाद्वीप में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक इथोपिया देश है। क्वेश्चन नंबर 90 है, ब्राजील की अर्थव्यवस्था मुख्यतः निम्नलिखित में से किसके उत्पादन पर निर्भर करती है? सही उत्तर है कॉफी। ब्राजील की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कॉफी के उत्पादन पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कॉफी पोर्ट कहलाता है? ए साओ पालो, बी सेंटोस, डी सी रियो डी जेनेरो, डी ब्यूनस आयर्स। सही उत्तर है सेंटोस। सेंटोस विश्व का कॉफी पोर्ट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 92, कहवा किस जलवायु की उपज है? सही उत्तर है उष्ण कटिबंधीय। कहवा उष्ण कटिबंधीय जलवायु की उपज है। क्वेश्चन नंबर 93, कहवा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे कुछ कथन दे रखे हैं, इसमें से बताना है कहवा से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। ए कहवा के लिए उष्णतर जलवायु की आवश्यकता होती है। बी अच्छी उत्पादन के लिए 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान आवश्यक होता है। सी कहवा के लिए घनी वर्षा 150 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। डी उपरोक्त सभी कथन सही है, तो सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी कथन सही है। कहवा के लिए उष्णतर जलवायु की आवश्यकता होती है। अच्छी उत्पादन के लिए 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान आवश्यक होता है। कहवा के लिए घनी वर्षा 150 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। ये कभी सभी कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 94, व्यापारिक दृष्टिकोण से कहवा की किस्म नहीं है? ए कॉफिया लाइबेरिका, बी कॉफिया रोबास्टा, सी कॉफिया साइबेरिका, डी कॉफिया अरेबिका। सही उत्तर है कॉफिया साइबेरिका। व्यापारिक दृष्टि से कहवा की किस्म कॉफिया साइबेरिका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 95, विश्व में सबसे उत्तम स्वाद वाला कहवा किसे माना जाता है? सही उत्तर है मोचा कहवा। मोचा कहवा को विश्व में सबसे उत्तम स्वाद वाला कहवा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 96 है, कोको की कृषि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौगोलिक परिस्थितियां आवश्यक हैं? ए पहला है लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, दूसरा 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, तीसरा लोहा एवं पोटास युक्त गहरी मिट्टी, चौथा ढालुआ भूमि, पांचवा तेज एवं चमकदार धूप। सही उत्तर है 1, 2 एवं 3। कोको की कृषि के लिए लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, लोहा एवं पोटास युक्त गहरी मिट्टी, ये जो सभी परिस्थितियां भौगोलिक परिस्थितियां आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ बताना है जो कथन दे रखे हैं इसमें से कौन सा सत्य है। पहला क्रोलो एवं फोरा स्टोरो उच्च कोटि के कोको है, दूसरा क्रोलो निम्न कोटि का कोको है जबकि फोरा स्टोरो उच्च कोटि का कोको है, तीसरा क्रोलो कोको मुख्यतः दक्षिण अफ्रीका में उपजाया जाता है, चौथा फोरे स्टोरो कोको मुख्यतः पश्चिम अफ्रीका में उपजाया जाता है। तो यहाँ बताना है कौन सा कथन सत्य है, पहला तीसरा और चौथा। क्रोलो एवं फोरा स्टोरो उच्च कोटि के कोको है, क्रोलो कोको मुख्यतः दक्षिण अफ्रीका में उपजाया जाता है, फोरे स्टोरो कोको मुख्यतः पश्चिम अफ्रीका में उपजाया जाता है, सभी कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 98, विश्व में कोको उत्पादन देशों का सही अवरोही क्रम है, तो सही उत्तर है इसका सबसे ज्यादा जो विश्व में कोको का उत्पादन होता है ये होता है आइवरी कोस्ट में, इसके बाद घाना में, इसके बाद इंडोनेशिया में और इसके बाद कैमरून में। सबसे ज्यादा विश्व में कोको का उत्पादन आइवरी कोस्ट में, इसके बाद घाना में, इसके बाद इंडोनेशिया में और इसके बाद कैमरून में होता है। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ जो कथन दे रखे हैं इसमें से बताना है कौन सा कथन असत्य है। ए है कपास की कृषि मुख्यतः उपोष्ण कटिबंध में की जाती है, बी संयुक्त राज्य अमेरिका कपास का सबसे बड़ा निर्यातक है, सी कपास का सबसे बड़ा उत्पादन होने के बावजूद चीन कपास का निर्यातक नहीं है, डी विषुवतीय क्षेत्र की जलवायु कपास की कृषि के लिए उपयुक्त है। सही उत्तर है विषुवतीय क्षेत्र की जलवायु कपास की कृषि के लिए उपयुक्त है। ये कथन सत्य नहीं है, असत्य है। ए जो कथन है कपास की कृषि मुख्यतः उपोषण कटिबंध में की जाती है, कथन सत्य है। बी संयुक्त राज्य अमेरिका कपास का सबसे बड़ा निर्यातक है, कथन सत्य है। सी कपास का सबसे बड़ा उत्पादन होने के बावजूद चीन कपास का निर्यातक नहीं है, कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 100 है, विश्व में कपास का उत्पादन करने वाले प्रमुख देशों का उत्पादन के आधार पर सही अवरोही क्रम है। सही उत्तर है सबसे ज्यादा तो विश्व में कपास का उत्पादन होता है ये होता है चीन में, इसके बाद भारत में, इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में और इसके बाद पाकिस्तान में।
विश्व में कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन चीन में, इसके बाद भारत में, इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में और इसके बाद पाकिस्तान में होता है। इस वीडियो में कृषि विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी दी गई है। जो कैंडिडेट्स विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वन दरोगा, पशुधन प्रचार अधिकारी, रेशम विभाग, बीएससी, बीटेक, एग्रीकल्चर एग्जाम, आईसीएआर, ग्राम विकास अधिकारी, एसएससी, रेलवे, आईएएस, पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं जिसमें कि कृषि विज्ञान से संबंधित प्रश्न आते हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।